नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही जल्दी बनने वाली बहुत ही वेरी क्विक मंगोरी बना रहे हैं मूंग की दाल से। आइए बनाते हैं कैसे बनती है मंगोरी। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने दो तरह की दाल भिगी हुई ली है। ये छिलके वाली मूंग की दाल है और ये बिना छिलके की धुली हुई मूंग की दाल है। ये बिल्कुल भिगी हुई दोनों दालें हैं। लगभग दो दो तीन तीन घंटे भिगोने के बाद ये दाल है। अब इनमें हम जो सामान डालने वाले हैं, ये गार्लिक है, थोड़ा दाल के साथ ही हम इसको पीस लेंगे। ये इतना मैंने लहसुन डाला है इसके अंदर और इस दाल में भी, दोनों में मैं पूरे पूरे मसाले डाल के और फिर इसका पेस्ट बनाएंगे हम। ठीक है, ये लहसुन डाल दिया इसमें। अब हम थोड़ा गरम मसाला, दोनों में गरम मसाला, हींग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे बड़ियों में हींग अच्छी लगती है डली हुई। ये हींग हो गई, लाल मिर्ची, दोनों में मैं बराबर बराबर सामान डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सामान डालिए। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं, देखिए नमक और ये नमक। सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। लहसुन जितना पसंद हो, नमक मिर्ची जितनी पसंद हो, गरम मसाला। अब एक जो हमारी ये धुली हुई जो दाल है, इसमें हम डालने वाले हैं कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी डाल दी, ये सब सामान हमने डाल दिया। आप चाहें तो इसमें साबुत लाल मिर्च भी दाल के साथ ही पीस सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इस सारे सामान को अलग अलग पेस्ट बना लेते हैं। मिक्सी में मैं अभी पेस्ट बना रही हूँ, इसका भी और इसका भी, दोनों अलग अलग। फिर हम कितनी जल्दी कैसे क्विक बढ़िया बनाते हैं वो हम बताएंगे। फ्रेंड्स, ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है दोनों दालों का। ये छिलके वाली दाल है, ये धुली हुई दाल है। अब मैं समझ रही हूँ धुली हुई दाल में थोड़ी सी हम हल्दी और डाल देते हैं, जिससे इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। एक बढ़िया हमारी हरी बन जाएगी, एक हमारी पीली बन जाएगी। तो ये दो तरह की बढ़िया हम बना लेते हैं। मेन मकसद तो मेरा जो था वो किस तरह से मैं बहुत ही जल्दी बढ़िया बना रही हूँ, वो था मेरा मकसद बताने का। मसाले वगैरह सबने आपने अपने हिसाब से बना लेने हैं, अपने हिसाब से डाल लेने हैं। अब हम चलते हैं, मैं बढ़िया बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम तुरंत बढ़िया बनाते हैं। अब हम शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी बड़ी बनाने का तरीका। ये पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। ये मैंने कोन लिए हैं, मार्केट में ये कोन मिलते हैं, लेकिन इनकी कतई ज़रूरत नहीं है। कि ये कोन नहीं होंगे तो हमारी बढ़िया नहीं बनेगी। हम पॉलीथीन ले सकते हैं, हम दूध की थैली ले सकते हैं, हम मेहंदी के जो कोन बनते हैं वैसे कोन ले सकते हैं, कोई भी कोन। बस ये ग्लास लिया, इसको इस तरह से इसको इसमें अड़ाया। ये देखिए, एक में हम डालेंगे ये वाला पेस्ट, एक में डालेंगे ये वाला पेस्ट, और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, ये प्लास्टिक की शीट। ये प्लास्टिक की शीट जरूरी नहीं कि सेम ऐसी हो, आप किसी भी प्लास्टिक की शीट पर अपनी ओरियो को तोड़ सकते हैं फटाफट। ये देखिए, फ्रेंड्स ये देखिए दोनों कोन मैंने भर लिए हैं। अब कैंची से इसको आगे से मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा मेरे को पसंद हो वैसी बढ़िया मैं साइज काट लूँगी इसका, जैसा साइज़ की बढ़िया मेरे को बनानी हो। बहुत पतली बनानी हो तो बहुत पतला काट लो, थोड़ा ठीक ठीक काट बनाना हो तो ठीक ठीक काट लो। मेन बात ये है कि बढ़िया हमारी बनेगी कैसे। ये देखिए, बस बिल्कुल ईजी ये बढ़िया बन जाएगी। ये देखिए, ये कितनी इजी हमारी बढ़िया बन रही है, और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है, और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। जब ये सूख जाएगी तो सूखी हुई भी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं सब्जी, और वैसे भी बना सकते हैं। ग्रेवी आपकी पसंद की, मसाले आपकी पसंद के, इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है भी इतना ही इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, यही होना चाहिए। आप चाहें तो लहसुन ना भी डालें तब भी आपकी बढ़िया बन जाएंगी।
लेकिन मेन जो है वो तरीका कितना सिंपल और कितनी जल्दी बनने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बढ़िया बना ली है और ये बढ़िया आज मैंने अभी बनाई है, रात तक या सुबह तक आप इस पर से बहुत इजीली उतार सकते हैं। बनने के बाद ये बढ़िया ऐसी होंगी और आप दाल अपनी मर्जी की, मोठ की दाल, उड़द की दाल, किसी भी दाल से इस तरह से बड़ी बना सकते हैं। मेन मेरा मकसद था आपको इजी बड़ी बनाने का तरीका बताना। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घर से बाहर ज़्यादा जाना नहीं है, बहुत जल्दी नई एक तरीके से नई डिश बनाने के हिसाब से एंजॉय कीजिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।